हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। सबसे पहले आप नेक स्टिच ले लीजिए और उसे इस तरह 7.5 इंचेस पर मार्क कर लीजिए, या आप अपनी मर्ज़ी की लेंथ रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे 7.5 इंचेस ही रख रही हूँ। अब इसे आप कट कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए, आपको अब 2.5 इंचेस पर एक मार्क लगाना है इस तरह से। यहाँ पर भी आप 2.5 इंचेस पर मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये क्रॉस नेक है। हम इसे डबल फुल कर कट नहीं करेंगे, इसे इस तरह मार्क कर कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे आप इस तरह मार्क कर लीजिए। अब इसे इस तरह कर्व दे लीजिए। और ये साइड पर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। इस तरह आप परफेक्ट शेप दे लीजिए। तो आप इसको कट कर लीजिए इस तरह से। इसे नीटली कट कर लीजिए। ये स्टिफ कम से कम 1.5 इंच या 2 इंचेस की होनी चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग कट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक लाइन कट कर ली है। अब जो पैच हम लगाएंगे, उसके लिए आप इसी नेकलाइन के मिडिल पार्ट को ले लीजिए और इसे डबल फोल्ड कर इस तरह से शेप कट कर लीजिए। ये इस तरह लगाकर स्टिच करना होगा। तो आप इसे इस तरह मार्क कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस एक्स्ट्रा पार्ट को आप कट कर लीजिए इस तरह से, और इसे आप इस तरह टॉप के फैब्रिक पर रखकर अंदर की तरफ से स्टिच कर लीजिए, और फिर इस पार्ट को इस तरह अंदर फोल्ड कर स्टिच कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे स्टिच कर लिया है। यहाँ पर आप 1/4 इंच छोड़कर 6 इंचेस पर मार्क कर लीजिए। यहाँ पर हम कलियाँ लगाएंगे और यहाँ पर हमारा पैच आएगा। इसे आप जॉइंट कर लीजिए टॉप से इस तरह से, और इसे अंदर की तरफ से स्टिच कर उल्टा फोल्ड कर स्टिच कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे स्टिच कर लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप शलवार का क्लॉथ ले लीजिए इस तरह। आप शलवार का क्लॉथ प्लेस कर डबल फोल्ड रख लीजिए आप शलवार का क्लॉथ, उस पर ये पैच रख लीजिए। देन इसे इस तरह स्टिच कर फिर इस तरह फोल्ड कर फिर स्टिच कर लीजिए। और कलियों के लिए आप इस तरह क्लॉथ ले लीजिए, इसमें आप कट कर लीजिए इस तरह से। ये सारे इक्वल स्क्वायर्स होनी चाहिए, तो आप मिशर कर कट कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने आइडिया से ही कट कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आप स्क्वायर्स कट कर लीजिए शलवार के क्लॉथ से। अब इसको आप इस तरह कॉर्नर की तरफ से पकड़कर रोल कर लीजिए क्लॉथ को इस तरह से। रोल कर
इस तरह पकड़कर इसे स्टिच कर लीजिए टॉप पर रख के। देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरह ही पकड़कर इसे इस तरह रखकर स्टिच कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से बता रही हूँ, आपको इस तरह रोल करना है क्लॉथ को, देन इस तरह पकड़कर आप स्टिच कर लीजिए। इसी तरह मैं सारे कलियाँ स्टिच कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कलियाँ स्टिच कर ली है, और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैच भी स्टिच कर लिया है। इसे आप इस तरह थोड़ा सा उठाकर स्टिच कर लीजिए ताकि इसे एक पाइपिंग का लुक आ जाए, या फिर आप कोई पाइपिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह करूँगी। और इसे इस तरह प्लेस कर लीजिए, आप प्लेस कर कर इसे नीटली स्टिच कर लीजिए। और आप एक पाइपिंग बना लीजिए। इसे इस तरह से फोल्ड कर कर इसे स्टिच कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब आप इसके पीछे के एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने डबल स्टिचिंग भी लगा ली है। अब इसे आप नीटली कट कर लीजिए। ये नेक डिज़ाइन आप कॉन्ट्रास्ट टॉप और शलवार के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर सेम होगा तो ये इतना अच्छा लुक नहीं आएगा, लेकिन दैट इज़ योर चॉइस। अभी से आप हेमिंग कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे नेक लाइन और नेक डिज़ाइन एकदम लेटेस्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।